अब यहाँ पे एक छोटू सा ट्विस्ट होने वाला है क्या ट्विस्ट होगा अगर प्रॉब्लम में सारे टर्म्स लॉग के टर्म्स में तब जितना भी इंटीग्रेशन आपने निकाला है अगर सब लॉग के टर्म्स में आ रहा है तो आप कॉन्स्टेंट को भी लॉग सी लिखते हेलो गाइस एंड वेलकम बैक आई एम फातिमा मैम एंड आई एम डूइंग विद यू स्पेशल सीरीज फॉर योर अपकमिंग बोर्ड्स जिसमें मैं कैलकुलस के एक एक टॉपिक्स का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके लिए कवर कर रही हूँ आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा डिफरेंशियल इक्वेशंस ठीक है अब ये टॉपिक में क्या क्या आता है क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या क्या एक्सपेक्टेड है वो हम देखते हैं ठीक है सबसे पहली चीज जो ये टॉपिक से है जो एक्सपेक्टेड है बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली और बहुत ही इजी है वो है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आप लेते हो डिफरेंशियल इक्वेशन इज बेसिकली जो कोई भी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके डेरिवेटिव्स के टर्म्स में जो भी इक्वेशन आएगा उसको आप डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हो अब इसके ऑर्डर और डिग्री का मतलब क्या होता है जो भी हाईएस्ट ऑर्डर होगा डेरिवेटिव में मतलब डी वाई बाई डी एक्स इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर आप लेते हो तो वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाता है तो हाइएस्ट ऑर्डर का जो भी डेरिवेटिव होगा जो जो भी उसका ऑर्डर होगा दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ द पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन डिग्री क्या होती है हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होगा मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर तो इसका पावर हो जाता है टू दैट इज नथिंग बट द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन अब डिग्री जो है सिर्फ और सिर्फ पॉलिनामियल डिफरेंशियल इक्वेश के लिए डिफाइंड होती है इसका क्या मतलब है वो जब मैं आपको बताऊंगी देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई राइट अदरवाइज द डिग्री इज नॉट डिफाइंड राइट तो लेट्स सी आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन कुछ करना नहीं है इसमें इसीलिए छोटा सा ही होता है ये यूजुअली यू हैव टू फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस तो इसको अगर मैंने यहां पे ले लिया तो दिस इज वॉट यू गेट डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वल टू टू साइन एक्स प्लस डेरिवेटिव क्या है यहां पे ये यह, इसका ऑर्डर क्या है वन और यही हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो उसका डिग्री क्या हो गया टू तो यहाँ पे इसका ऑर्डर है वन और इसका डिग्री है टू बस या तो एक मार्क का आएगा या अगर आपकी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी होगी तो दो मार्क के लिए भी आ सकता है ठीक है अब ये देखो इसमें ऑर्डर क्या है कि इसमें तो कुछ सिंप्लीफाई नहीं करना ऑर्डर इसमें टू है अब डिग्री यहाँ पे डिफाइंड नहीं है क्योंकि एक के के अंदर अंदर आ रहा है लोग मैम पे भी तो था हाँ, वो के अंदर नहीं था बट वो नहीं मतलब बेसिकली डीवाई बाई डी एक्स अगर खुद एक फंक्शन के अंदर चला जाता है तो वो पोलिनोम डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं रहता है सिंपल सी है एक बात समझो अगर मेरे पास रहा एक स्क्वेर प्लस एक्स प्लस थ्री तो ये एक नॉर्मल पॉलिनोमियल इक्वेशन है लेकिन अगर मेरे पास e रेस टू एक्स प्लस वन आ गया तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है वो उसकी पावर में चला गया तो ऐसे केस में डिग्री जो है वो डिफाइन नहीं होती है तो आप यहां पे लिखते हो कि इसकी डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड है ठीक right. yes. है और एक दो देखते हैं। अब इसमें देखो ये रूट के अंदर है तो दैट बेसिकली मीन्स दैट इज नॉट पोरिनॉमल तो क्या करोगे आप दोनों साइड पे स्क्वायर कर दोगे तो ये रूट यहां से हट जाएगा तो ऑर्डर क्या होगा इसका डेफिनेटली थ्री और डिग्री आपको यही जो हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है उसी का पावर देखना है तो यहाँ पे एक साइड होकर टू मत लिख देना जो थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसका पावर वन है हाईएस्ट पावर वन है तो इसका डिग्री वन होगा ऑर्डर थ्री डिग्री वन ऑल राइट इसको देखो अभी अगेन ये भी थ्री बाई टू पावर है विच इज नॉट पॉलिनोमियल सो यू विल हैव टू स्क्वायर स्क्वायर ऑन साइड करोगे दोनों साइड पे अगर तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और यहां पे मुझे क्या मिलेगा ऑर्डर इसका टू है और इसी का जो पावर है हाईएस्ट वो टू है थ्री नहीं लोगे टू ही लोगे ठीक तो है तो इसका ऑर्डर हो गया टू डिग्री हो गया टू ऑलराइट तो कभी कभी डायरेक्टली नहीं होगा आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा अब डिफरेंशियल इक्वेशन जो चैप्टर है पहला चीज इसका हो गया सिंपल सा ऑर्डर डिग्री दो चीजें हैं चैप्टर में करने के लिए इसके अलावा एक है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है और दूसरा होता है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है फॉर्म करना अगर होता है तो आपको इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है सॉल्व अगर करना होता है तो आपको उसको इंटीग्रेट करना है ठीक है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली मीन्स कि यू हैव टू डिफरेंशिएट इट एंड सॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स दैट यू हैव टू इंटीग्रेटेड फंडा याद रखो इसमें एक चीज जो आपको ध्यान रखनी होती है कि डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए क्वेश्चन में कुछ आर्बाइटरी कॉन्स्टेंट होते हैं क्या होते हैं वो जब आपको क्वेश्चन बताऊंगे तो आपको समझ में आएगा आपके डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के बाद आर्बाइटरी कॉन्स्टेंट बचना नहीं चाहिए दिस इज द फंडा ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन दैट नो आर्बाइट्री कॉन्स्टेंट शुड रिमेन वंस यू हैव डन फॉर्मिंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन और आप उतने ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हो यू कैन डू इट मल्टीपल टाइम्स ऐसा नहीं है कि डीवाई डिफरेंशियल इक्वेशन डन नो यू कैन अगेन एंड गेट अ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियटेड अगेन एंड गेट अ थर्ड ऑर्डर आपके टेक्स्ट बुक में तो सेकेंड ऑर्डर तक ही है आप उतने ही बार डिफरेंशिएट करते हो जितने आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट होते हैं मतलब अगर क्वेश्चन में दो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट होंगे तो आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो सेकेंड ऑर्डर का बनेगा एक ही कॉन्स्टेंट होगा तो आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो फर्स्ट ऑर्डर का बनेगा ठीक है चलो क्वेश्चन देखते हैं अगेन दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं एक आपको नॉर्मल इक्वेशन दिया रहता है आपको उसका डिफरेंशियल फॉर्म करना होता है कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है ये टाइप का मैंने लिया नहीं है बिकॉज वो काफी इजी होता है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन भी दिया है मतलब ऐसा दिया होगा कि एक फंक्शन है वॉट एवर वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स सम फंक्शन इज गिवन और इट कैन बी ऑफ दिस फॉर्म ऑल्सो एंड वन डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन एनी टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी गिवन यू हैव टू शो दैट ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन तो उसमें भी आपको वही करना है बेसिकली दट यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस एंड फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड यू हैव टू प्रूव कि हाँ भाई इसी का है वो और राइट ये जो टाइप के क्वेश्चन है ना दे आर वेरी सिमिलर के एंड में जो हम प्रूफ करते थे वैसे ही सेम है कुछ कुछ तो आपको सेम भी दिखने लगेंगे कैसे करना है, वो मैं आपको ये कुछ नई चीज है ये जो है कि आपको प्रूफ करना है कि उसका डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आप खुद से कर सकते हो ठीक है सो so, यहां पे देखो क्वेश्चन क्या है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस सी द होल क्यूब योर सी इज दी सी क्या है आपका यहाँ पे आरबाइटरी है मतलब कितने arbitrary constant है इसमें एक ही है एक ही है मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो फर्स्ट ऑर्डर का होगा दूसरी चीज वो डिफरेंशियल इक्वेशन में कहीं भी सी जो है वो नहीं होना चाहिए ठीक है तो चलो ये इंप्लीसिट है इंप्लीसिट है तो इसको डिफरेंशिएट अगर करोगे तो क्या मिलेगा वाई स्क्वायर यू विल गेट टू वाई डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इसका क्या डेरिवेटिव होगा थ्री इंटू एक्स प्लस सी द होल स्क्वायर ऑल राइट अब देखो आपको क्या करना है आपको ना x प्लस सी को संभाव c को एक्चुअली आपको एलिमिनेट करना है बट लुकिंग एट द क्वेश्चन डोंट यू थिंक दैट इट विल बी इजियर टू डायरेक्टली एलिमिनेट द एंटायर एक्स प्लस सी डोंट यू थिंक कि x प्लस सी को एलिमिनेट करना बेटर होगा है ना x प्लस सी को एलिमिनेट करना बेटर होगा आपको ऐसा लगता है है ना तो अभी एक्सप्लेस सी को मैं कैसे एलिमिनेट करूं हाउ विल आई डू दिस कैसे करेंगे हम लोग इसको पावर तो बहुत ही अजीब है इधर एक्सप्लेस सी का क्यूब है इधर एक्सप्ल सी का स्क्वायर है हाउ आर यू गोइंग टू एलिमिनेट कैसे करेंगे हम इसको एलिमिनेट दोनों को हम लोग कैसे इक्वेट कर सकते हैं कर सकते हैं अगर इसको मैंने स्क्वायर कर दिया तो मुझे ये मिलेगा और अगर इसको मैंने क्यूब कर दिया इसका क्यूब क्या होगा एट वाई क्यूब डी वाई बाय डी एक्स द होल क्यूब इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन एक्स प्लस सी रेस टू सिक्स नाउ वॉट यू विल डू एक्स प्लस सी रेस टू सिक्स का वैल्यू डाल सकते हो यहाँ से एक्स प्लस सी रेस टू सिक्स का यहाँ से वैल्यू डाल दो क्या मिलेगा एट वाई क्यूब डी वाई बाय डी एक्स द होल क्यूब इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन वाई रेस टू फोर ट्वेंटी सेवन वाई रेस टू फोर समझा इधर तो से कुछ वाई कैंसिल हो जाएंगे बाकी का सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हो बी अदर वेज आप उसको देर इक्वल टू एक्स प्लस बहुत सारी चीजें कर सकते हो आपकी मर्जी ठीक है मैंने एक तरीका आपको बताया चलो इसको देखते हैं अभी अब यहाँ दो है यहां पर दो आर्बिट्ररी कॉन्सेंट्स है मतलब सेकेंड ऑर्डर का बनेगा ये तो चलो करते टू इंटू वाई माइनस ए डीवाई बाई डी एक्स होगा इसका डेरिवेटिव और इसका क्या होगा इसका हो जाएगा 4, 4 ही होगा ना क्योंकि आगे की चीजें तो चली जाएंगी टू इंटू वाई माइनस ए डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू फोर यूल फिर से डिफ्रेंशिएट करना है उससे पहले क्या करते हैं हम लोग y माइनस ए डीवाई बाई डी एक्स को हम डाल देते हैं टू के इक्वल क्यों क्योंकि दोनों साइड से आपका टू जो है वो कैंसिल हो रहा है, है ना

तो इसको अगर थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करूँ तो ये टू स्क्वायर फोर कैंसिल हो जाएगा आई विल बी लेफ्ट विथ वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्स माइनस बी विच आई कैन राइट इन अ बेटर वे एज डी वाई बाय डी एक्स द होल स्क् टू वन बाय अच्छा वो कैंसिल हो गया सॉरी दिस टू इज नॉट सपोज टू बी हियर वन अपॉन एक्स माइनस बी ना लेट्स डिफरेंशिएट दिस इसको डिफ्रेंशियट कर देते हैं चलो तो इसको इधर कर, लिख रही हूं। मैं 2 no. का फिर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विच विल बी डी स्क्स एंड राइट साइड पे यू गेट माइनस वन अपॉन एक्स माइनस बी द होल अब वन अपॉन एक्स माइनस बी को तो आप रिप्लेस कर सकते हो यहाँ पे ही है देखो वन अपन एक्स माइनस बी को तो आप रिप्लेस कर सकते हो क्या मिलेगा क्योंकि काम वो है ना कि आपको आपके अर्बेटरी कॉन्सटेंट को हटाना है तो दिस विल बिकम इक्वल टू वॉट माइनस डी वाई बाई डी एक्स द होल रेस टू फोर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन और कैंसिलेशन करो वेरिएबल तो हट कॉन्स्टेंट तो हट गया ना आर्बेटरी कॉन्सटेंट इज गॉन समझ में आया तो बेस्ड ऑन द क्वेश्चन थोड़ा आपको प्रैक्टिस लगेगा कि कैसे आपके, आपके आरबाइडरी कांस्टेंट जो है वो एलिमिनेट होता है ठीक है चलो ये दोनों क्वेश्चन लिख लो आगे बढ़ते लेट्स लेट्स सी और लेट सी द नेक्स्ट वन अभी यहां पे आपको फॉर्म करने को बोला है फाइंड करने को बोला है डिफरेंशियल इक्वेशन छोड़ो इक्वेशन ही नहीं दिया तो आपको पहले खुद से इक्वेशन बताना पड़ेगा किसका डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग द रेडियस नाइन तो सेंटर ऑफ द सर्कल अगर एच कॉमा के ले लेते हो तो एक्स माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वल टू आर स्क्वायर यानी कि एटी वन दिस इज योअर इक्वेशन एच एंड के आर आर बाइटरी कॉन्स्टेंट मतलब सेकेंड ऑर्डर का बनेगा चलो डिफ्रेंशिएट करते टू इंटू एक्स माइनस एच प्लस टू इंटू वाई माइनस के डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो यू विल गेट थोड़ा सा इसको अगर मॉडिफाई करना चाहोगे तो यू विल गेट योर एक्स माइनस वेट या इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस आइदर वे एक्स माइनस एच विल गेट इक्वल टू माइनस ऑफ वाई माइनस के डी वाई बाई डी एक्स ठीक है चलो लेट्स इट अगेन दो है तो सेकेंड ऑर्डर का बन सकता है ये हो जाएगा वन इज इक्वल टू इधर अभी आपको लगाना पड़ेगा यू तो क्या आएगा माइनस वाई माइनस के एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्सॉज माइनस के का डेरिवेटिव अगेन डीवाई बाई डी एक्स ठीक है तो इसको थोड़ा अगर एडजस्ट करना चाहते हो आप तो इधर से वाई माइनस के का वैल्यू निकाल सकते हो वाई माइनस के डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क् गेट इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डीएक्स द होल स्क्वायर Minus one, because this one will also go there, na. matlab y minus k ka kya ho gaya value? Minus common lelo. One plus dy by dx the whole square divided by d square y by dx square. Now see, from here you have the value of x minus h. Let's mark the equations now. Okay, this is one. This will be two, and this will be number three. Let's mark the equations. सो कैन आई सब्सिट्यूट फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्स माइनस एच का वैल्यू यहां पर यहां पर एक्स माइनस एच का वैल्यू डाल दो यू विल गेट वाई माइनस के द होल स्क्सर प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एटी वन लेट्स टेक योर वाई माइनस के द होल स्क्वायर कॉमन आपके पास बच गया है डी वाई बाय डी एक्स द होल स्क् प्लस वन इज इक्वल टू एटी वन नाउ दिस वैल्यू यू कैन बुट योअर पर आपको स्क्वायर करके करना पड़ेगा तो थोड़ा आराम से करते वाई माइनस के द होल स्क्टिंग टू एटी वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क् प्लस वन अब ये वाई माइनस के यहां पर डालो उसका स्क्वायर आएगा यहां पर सो दैट बिकम वन प्लस डी वाई बायस स्क्वायर द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये नीचे होगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर द होल जस्ट शिफ्ट थिंग्स अराउंड एंड यू विल गेट योर आंसर ठीक है सो थोड़ा दिमाग इसमें लगाना पड़ जाता है बिकॉज यू डोंट नो कि आपको कहाँ पे पहुंचना है क्या कहाँ से क्या सब्सटीट्यूट करना है दैट विल टेक सम प्रैक्टिस ऑल राइट येस ओके सुपर लेट्स राइट इट डाउन अगर कोनेक का आपको इक्वेशन चाहिए तो बेसिक मैथमेटिक्स वाली प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारे बेसिक कर्व्स के जो जनरल इक्वेशंस है वो वहां पे कवर किए हैं अलग से जिसमें सिर्फ इक्वेशंस है उस वीडियो में सो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट ऑल राइट ऑल राइट लेट्स टेक द नेक्स्ट वन फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ फैमिली ऑफ पैराबोलाज हैविंग एक्सिस अलॉन्ग द एक्स एक्सिस ठीक है तो ये बेसिकली कैसे होंगे पैराबोलाज ऐसे होंगे ठीक है ऐसे अलोंग दी एक्स एक्सेस उसका अगर वर्ट एक्स है आ, तो सॉरी एक्सेस है ओके तो इनकी इक्वेश होंगे द इक्वेशन फॉर दिसनस एच ओके अब डिफ्रेंशिएट करो इसको दो आरबाइटी कॉन्स्टेंट है दो बार कर सकते हो टू वाई डी वाई बाई डी एक्स यू आर गेटिंग टू फोर ए बहुत ईजी है ये खुद से करो फिर से एक बार करोगे आपको आंसर आ जाएगा अपने आप ही एलिमिनेट हो गया वो तो कुछ करना ही नहीं था इसमें ओके तो बेसिकली कर्व के इक्वेशंस भी पता होने चाहिए अगर कर्व के इक्वेशंस पता है तो कभी कभी क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान हो जाएगा और राइट चोर सिंपल है डायरेक्टली आ गया लेट्स मूव अहेड टू सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस नाउ देयर आर अ फ्यू मेथड्स बाय व्हिच यू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशंस इंटीग्रेट करते हैं हम उसको बट उससे पहले आपको उसको इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है उसके लिए कुछ मेथड्स होते हैं पहला है मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेशन फिर आता है आपका होमोजिनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड देन यू हैव लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस इक्वेशंस लीनियर डिफरेंशियल अभी आपके रिड्यूस सिलेबस में चला गया है मतलब वो आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा ठीक है तो मैं सिर्फ वेरिएबल सेपरेशन और होमोजिनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बताऊंगी तो मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेशन इज एक्चुअली द बेसिक बाकी जो मेथड्स है वो ट्राई करते हैं कि आपके ियर होमोजिनियस जो है वो ट्राई करता है कि आपके प्रॉब्लम को वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट किया जाए अगर कोई पॉइंट क्वेश्चन कभी कभी इस तरीके का दिया जाता है कि आपको कर्व पे पॉइंट लाई करने वाला कोई पॉइंट दिया जाता है तो ऐसे केस में आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना होता है पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करते करने के लिए आपको एंड में वो पॉइंट सब्सिट्यूट करना पड़ता है वो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन जब करेंगे तब बट ये चीज एक ध्यान रखो बिकॉज एक मैप दे रही हूँ मैं कि क्या क्या इसमें पूछा जा सकता है तो पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने के लिए भी आपको कभी कभी पूछा जा सकता है अगर नहीं दिया है पॉइंट तो हम सीधा जनरल सोल्यूशन फाइंड करते हैं ठीक है तो चलो दिया हुआ है यहाँ पे आपको बेसिकली क्या करना है y के टर्म्स को एक साइड पे रखना है और dy के साथ और x के टर्म्स को एक साइड पे रखना है dx के साथ तो y के टर्म्स जो है वो dy के साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं x के जो टर्म्स है वो dx के साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे हम uh, सबसे पहले तो dy बाई को हम लोग अकेला लेते हैं तो अगर मैंने इसको ये साइड पे ले लिया तो आई विल गेट एक्स स्क्र डी वाई बाई डी एक्स प्लस योर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इसमें से कॉमन ले लो यू विल बी लेफ्ट विथ एक्स स्क्वायर प्लस वन दिस इज इक्वल टू वाई क्यूब सो नाउ अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन और dx को उधर लेके जाती हूँ और वाई क्यूब को इधर लेकर आ जाती हूँ तो मेरा सेपरेशन हो जाएगा वन अपॉन वाई क्यूब जो है वो इसके साथ आ गया और ये उधर जाके पलट जाएगा मतलब वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स बन जाएगा अब इसको आप दोनों साइड पे इंटीग्रेट कर सकते हो वो आपको लिखना पड़ेगा सोल्यूशन में आ जाएगा यहां पे नहीं लिख रही तो ये आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा वन अपॉन वाई क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा वन अपॉन वाई क्यूब इज नथिंग बट वाई रेस टू माइनस थ्री बिकम वाई रेस टू माइनस टू अपॉन माइनस टू और वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन तो टेन इनवर्स ऑफ एक्स होता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपको ऐड करना है तो ये जो सॉल्यूशन है ना जिसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्रेजेंट है इसको बोला जाता है जनरल सॉल्यूशन अगर आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं रखना है तो आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना होता है जिसके लिए पॉइंट दिया होना चाहिए क्वेश्चन में यहाँ पे कहीं भी पॉइंट नहीं दिया है ठीक है हो गया इतना ही है थोड़ा सा बस उसको अच्छे से लिख दो ये माइनस वन अंट टू वाई स्क्वायर हो जाएगा दूसरे साइड पे भेज दोगे तो वन ऑफ टू वाई स्क्वायर प्लस देख के डरो एक्चुअली तो उससे भी इजी है डीवाई और एक्स को आपको अलग करना है ये एक मिनट यहाँ पे डीवाई होना चाहिए ठीक है थीके? दोनों भी डीएक्स डी एक्स रहेगा तो सोल्व नहीं होगा वो तो यह डीवाई रहना चाहिए तो चलो इसको इधर रखते हैं वो दूसरी वाली चीज को हम लोग आर एच एस में भेज देते हैं तो यहाँ पे मेरे पास है सेक्स स्क्वायर वाई टेन एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू ये उधर जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स टेन वाई इंटू डी एक्स ठीक है तो y के टर्म्स को लेफ्ट में रखते हैं बाकी सब चीज़ राइट में भेज देते हैं x के टर्म्स को तो ये tan y इधर नीचे आएगा डिनोमिनेटर में चला जाएगा और टेन एक्स उधर नीचे चला जाएगा ठीक है लेट्स इंटीग्रेट लेट्स इंटीग्रेट पता है ये क्या है ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स है मतलब नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव है नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव होता है तो आंसर क्या होता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आंसर होता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि इसका सीधा साधा आंसर है लॉग ऑफ इसका सीधा साधा आंसर है लॉग ऑफ अब यहाँ पे एक छोटू सा ट्विस्ट होने वाला है क्या ट्विस्ट होगा अगर प्रॉब्लम में सारे टर्म्स लॉग के टर्म्स में तब जितना भी इंटीग्रेशन आपने निकाला है अगर सब लॉग के टर्म्स में आ रहा है तो आप कॉन्स्टेंट को भी लॉग सी लिखते हो क्यों कैसे क्यू तो बात की बात है कैसे क्यूँ तो शायद समझ गया होगा कि सब लॉग है तो शायद हट जाएगा कैसे क्योंकि कॉन्स्टेंट है ना कॉन्स्टेंट तो कुछ भी हो सकता है जीरो हो सकता है वन हो सकता है लॉग थ्री हो सकता है ई रेस टू फाइव हो सकता है लॉग ऑफ सेवनटीन हो सकता है कुछ भी हो सकता है है ना तो मैं अगर कांस्टेंट को लुगैरिदमिक फॉर्म में भी लिखूं तो मेरे आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है तो अब फॉर्म में, में लिखने का मकसद ये है कि अब मेरे को वो लॉग हटाना है तो चलो अब वो लॉग हटाने की कोशिश करते हैं क्या आएगा ये c अपॉन टेन एक्स हो जाएगा आरएचएस में क्यू लॉग ए माइनस लॉग बी की प्रॉपर्टी यूज करके अब दोनों साइड से एंटी लॉग ले लोगे तो यू विल गेट लोग थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं टेन एक्स इन टू टेन वाई इज इक्वल टू सी दिस इज योर फाइनल आंसर समझा ये नहीं करोगे तो मार्क्स कटेंगे आपके ठीक है लॉग को हटाना होता है अगर आपके पास लॉग आता है तो ऑल राइट येस आई विन चलो दोनों क्वेश्चन लिख लो दिस इज वेरिएबल सेपरेशन विच इज वेरी इजी एज यू कैन सी सिर्फ सेपरेट करना है और बहुत ही सिंपल से इंटीग्रेशन आते हैं इसमें बहुत सिंपल कितने बड़े बड़े हम लोग ने टाइप्स देखे कुछ नहीं करना है यहाँ पे सिंपल सा इंटीग्रेशन होता है बहुत ठीक है चलो लेट्स नेक्स्ट देखते हैं। करना है खुद से करना है खुद से करो खुद से करो जो एक्स इज इक्वल टू टू इक्वल टू जीरो है जब ये देखो ये स्टेप जब आ जाता है ना tan x tan y c वाला तो जो भी कंडीशन दी है हम यहाँ पे डालते हैं उसको और फिर c का वैल्यू निकालते हैं और फिर c का वैल्यू वापस इसमें डाल देते हैं चलो इसको खुद से ट्राई करो पहले से इस जो भी आगे का क्वेश्चन है सेपरेट करो दोनों को और ट्राई करो पॉज करके फिर मैं करती हूँ पूरा वन फर्स्ट मेक श्योर कि इंटीग्रेशन के टाइप्स आपको सारे आते हैं y इंटू वन प्लस एक्स स्क् डी वाई है उसमें से एक्स हो जाएगा ठीक है अब वेरिएबल सेपरेट करो यूलस वाई स्क्वायर डीवाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स बरोबर तो अब इंटीग्रेट करेंगे अब इंटीग्रेट करेंगे यस देखो ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का एक लंबा चौड़ा मेथड भी तो था बट मैंने आपको ये भी बताया था कि उसमें काम बेसिकली अपना ये होता है कि नीचे वाले फंक्शन का आपको ऊपर डेरिवेटिव लाना होता है तो हम वही करेंगे यहां पे वन माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस वन बाई टू होता है तो ये माइनस टू से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा वन बाई टू हो से यहां पे करेंगे आप बिकॉज वन प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है टू एक्स तो चलो अब इसको सॉल्व करो क्या आएगा ये हो जाएगा माइनस वन बाई टू लॉग ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर बिकॉज नीचे का डेरिवेटिव अब ऊपर आ चुका है यहां पे आएगा वन बाई टू लॉग ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर और आपको चाहिए कॉन्स्टेंट अच्छा अब जब ये टाइप का होता है ना इसमें अगर नहीं लिया तो भी चलता है बट सिंस आदत है तो हम वही लेंगे ठीक है तो चलो इसमें हम क्या करेंगे सबसे पहले ये माइनस आपको ऊपर ले लेंगे पावर में तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर रेस टू माइनस हाफ दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू हाफ प्लस लॉग सी दैट बिकम्स लॉग ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर रेस टू माइनस हाफ इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी इन टू वन प्लस एक्स स्क्वायर लॉग हट जाएगा दोनों साइड से दिस इज हाफ सॉरी वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू रूट है उसका भी सॉरी रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर नाउ पुट दिस एक्स का वैल्यू टू और वाई का वैल्यू जीरो डालो यहाँ पे तो आपको क्या मिलेगा सी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस टू स्क्वायर विच इज फोर इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस जीरो मतलब सी की वैल्यू आपको मिल रही है वन अपऑन रूट फाइव डाल दो इसमें सी so नहीं बच रहा ना आंसर में सी नहीं बच रहा है आपका बस दैट्स द ओनली डिफरेंस राइट स्क्वायर भी कर सकते हो उसको करोगे ही ना एक्चुअली स्क्वायर तो बिकॉज सब कुछ रूट में ठीक है थोड़ा एडजस्ट करो अच्छे से लिखो आंसर आ जाएगा गॉट इट यस तो दिस इज हाउ यू फाइंड पर्टिकुलर सोल्यूशन विच डज नॉट हैव द कॉन्सेंट ऑफ इंटीग्रेशन इन द फाइनल आंसर बिकॉज इट हैज बीन एलिमिनेटेड यूजिंग वॉट एवर पॉइंट इज गिवन या वॉट एवर कंडीशन इज गिवन ऑल राइट चलो अब ये जो है वो इसका एक अलग फॉर्म है वेरिएबल सेपरेट यहाँ पे नहीं कर सकते बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सात में सेक के अंदर उसको कैसे सेपरेट करोगे यू कैन सेपरेट दैट ना तो दिस हैज टू बी कन्वर्टेड टू दैट फॉर्म

टू से डिवाइड कर दो थ्रू आउट सो यू आर गेटिंग एक्स प्लस टू डी बाई डी एक्स इफ यू नोट इज वेरी केयरफुल्जैक्टली वॉट यू हैव ये डीवी बाई डीएक्स हो गया ये सेक भी हो गया अब इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान है ये सेक वी इधर आ जाएगा तो कॉस वी बन जाएगा कॉस वी डी वी यू गेट इक्वल टू डी एक्स यू इंटीग्रेट इट ऑन बोथ यहाँ पे ही हो जाएगा मेक श्योर दैट वेन यू आर राइटिंग दैट इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू नहीं लिख रहे हो बिकॉज एक साइड पे वी से हो रहा है एक साइड पे एक्स से हो रहा है तो योग साइन वी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी भूलना मत कि आपको वी को टी सब्सटीट्यूट करना है तो आपको मिलेगा साइन ऑफ एक्स स्क् प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस सी पर्टिक्युलर वाले के लिए कोई कंडीशन तो नहीं दी हुई है तो दिस इज योर फाइनल आंसर समझ में आया तो दिस इज नॉट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म डायरेक्टली बट आराम से कन्वर्ट हो सकता है है ना सिंपल यस ऑल राइट चलो अब एक खुद से करो ट्राई करो खुद से क्या सब्सिट्यूट करना है क्या एडजस्ट होगा वो अभी आपकी, आपकी है, आपकी है। करो, चलो। इसका सोल्यूशन और ये रहा इसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है एक्स माइनस टू वाई को आपको करना है वो तो क्लियरली दिख रहा है डेरिवेटिव एडजस्ट करने की बात आती है फिर सिर्फ है ना चलो अब आते हैं इस पर अलग है ये अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है नहीं और अगर आप देखोगे ध्यान से तो वो हो भी नहीं पा रहा है ना वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म इट लुक्स डिफिकल्ट तो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन है लेट्स फर्स्ट राइट इट एज द फॉर्म ऑफ द फॉर्म ऑफ डी वाई बाई डी एक्स यूल टू एक्सक्वायर प्लस थ्री एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क् ना इफ यू लुक एट द्यूमिरेटर एक्स स्क्वायर एक्सक्ट डिनोमिनेटर में है पावर मतलब, वन तो कंबाइंड पावर बिकम्स टू तो ऐसे तो टाइप का जो इक्वेशन होता है ना उसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड होता है आप सब्सिट्यूट करते हो y बाई एक्स को v क्स को आप डाल देते हो v ना आई एम गोइंग टू गिव अ सेट ऑफ स्टेप्स यो सिर्फ सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स को सॉल्व करना है आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रूफ करो कि ये होमोजीनियस है तो इसके लिए आपको क्या करना होता है स्टेट बोर्ड वाले अगर आपको चाहिए तो आप थोड़ा सा फॉरवर्ड कर सकते हो इसको एक दो मिनट आपको क्या करना है आपको लेना है यहाँ पे एफ ऑफ एक्सकॉमा वाई एफ ऑफ एक्सकॉमा वाई इज नथिंग बट दिस इक्वेशन दैट यू हैव हियर

थ्रू आउट अगर लैमडा स्क्वायर से डिवाइड कर लिया तो मेरे को मिलेगा एक्स स्क् प्लस थ्री एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर अब आपका कंडीशन ये होता है कि एफ ऑफ लैमडा एक्स कॉमा लैमडा वाई यू शुड गेट दिस इक्वल टू लैमडा रेस टू एन टाइम्स एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई वेर एन कैन बी एनी नंबर सो हियर यू आर गेटिंग इट डायरेक्टली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई विच इज बेसिकली यू कैन सी दैट लैमडा रेस टू जीरो टाइम्स एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई स दैट यू एव प्रशियल ये कंडीशन है होमोजिनियस यू प्रूफ दैट दिसमोजिनियस डिशियल इक्वेशन दिस इज द प्रूफ फॉर इज दंडीशन के दिस इज नाव अमोजीन डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है अब इसको कैसे सोल्व करना है मैं पूरा हटा रही हूँ फिर से ये लिख देती हूँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर तो इसको सबस्टिट्यूट हमें करना होता है y बाई एक्स इज इक्वल टू वी या फिर आप बोलते हो y इज इक्वल टू वी एक्स तो अफकोर्स डेरिवेटिव एडजस्ट करना पड़ेगा dy बाई डी एक्स यू विल गेट वी प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स लेट्स y की जगह पे वी एक्स डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स एक्स स्क्वायर एज इट इज थ्री एक्स एज इट इज वाई की जगह पे आएगा वी एक्स स्क्वायर की जगह पे आएगा वी स्क्वायर 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 डिवाइडेड बाय ये वी को उधर भेज दो एक्स डी वी बाई डी एक्स बचाए देखो डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास बचेगा वन प्लस थ्री वी प्लस वी स्क्वायर एक्सक्वायर डिवाइड हो गया है अपॉन वन माइनस वी दैट इज बेसिकली वी स्क्वायर प्लस टू वी प्लस वन जो कि आपको पता है वी प्लस वन द होल स्क्वायर होता है हो गया सेपरेट कर लो अभी वन अपॉन वी प्लस वन द होल dx इंटीग्रेट करो वन अपॉन वी प्लस वन द होल का इंटीग्रेशन ये होगा इसका होगा लॉग एक्स प्लस सी अब री सब्स्टिट्यूट करना है वी की जगह पे क्या वाई बाय एक्स हो गया थोड़ा एडजस्ट करो आपका आंसर आ जाएगा आपको समझा अगेन नो पर्टिकुलर सोल्यूशन जो थोड़ा एडजस्ट करके लाओगे वही आपका आंसर होगा तो होमोजीनियस को इस तरीके से सॉल्व करते वाई इज इक्वल टू वी एक्स सब्सटीट्यूट करके ठीक है एंड में री सब्सटीट्यूट करना मत भूलना क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी वी नहीं है वी आपने लाया है ऑल राइट ये सुपर गाइस वेरी नाइस वेरी नाइस लिख लो आगे बढ़ते हैं ये ब्लू में जो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज ओनली फॉर सी बी एस ई स्टूडेंट्स द सेम थिंग यू हैव टू डू इन एवरी क्वेश्चन ऑल राइट होमोजीनियस का कोई भी सवाल आएगा तो ये आप खुद करो ये मैं नहीं कर रही दिस विल बी फॉर यू बहुत सिंपल है होमोजीनियस का क्वेश्चन वेरी इजी सिर्फ पर्टिकुलर सोल्यूशन लेके आपको सॉल्व करना है तो ये आप खुद से करो पॉज करके आंसर मेरे साथ चेक कर लेना देर वी गो थिंक यहाँ पे ये यह विजिबल नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूं एक्स स्क्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स रेस टू फोर ये रहा ठीक है यस सी एलिमिनेट करना है पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है सिंस वैल्यू दी भी है right, अगला देखते हैं क्वेश्चन इसमें क्लियरली यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट दिस एक्स बाय वाई वाई विल हैव टू बी ना पे बाय एक्स करोगे तो थोड़ा मुसीबत हो जाएगा तो यहाँ पे आपको समझ रहा है कि आपको एक्स बाय वाई को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा एक्स बाय वाई को अगर आप वी डालते हो तो इंस्टेड ऑफ योर वी इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स यहाँ पे x मतलब y इज इक्वल टू वी इन एक्स के बदले यहाँ पे आपको x इज इक्वल टू वी इन वाई मिलता है मतलब आपका डीएक्स बाई डी वाई यहाँ पर सब्सटीट्यूट होने वाला है डीएक्स बाई डी वी बाई डीवाई हो जाएगा मतलब इंस्टेड ऑफ डीवाई बाई डी एक्स नाउ यू हैव टू ब्रिंग इट इन द फॉर्म ऑफ डी एक्स बाई डी वाई है ना तो पहले इसको एडजस्ट करते हैं अगर मैंने इसको राइट right साइड में लेकर चली गई तो अंदर वाली जो माइनस साइन है वो पलट जाएगी मतलब ये बन जाएगा डी वाई बाय डी एक्स टू ई रेस टू एक्स बाय वाय टू एक्स बाय वाई माइनस वन है ना तो अभी क्या करना है मुझे इधर आ जाएगा ये तो dx बाय डी वाई बन जाएगा इंटू वन प्लस टू ई रेस टू एक्स बाय वाई इज इक्वल टू टू ई रेस टू एक्स बाय वाई इंटू एक्स बाय वाई माइनस वन डीएक्स बाय डी वाई है ठीक है अब डाल दो इसको भी आप खुद से सॉल्व करोगे वन प्लस टू ई रेस टू वी इज इक्वल टू टू ई रेस टू वी इन टू वी माइनस वन एक्स के तो टर्म ही नहीं है dx बाई डी वाई नहीं है वो हाँ अभी dx बाई डी वाई को यहां पे आपको चेंज भी करना है वो मैंने नहीं किया वो आप करो और इसको सॉल्व करो चलो कंप्लीट करो चलो v को एंड में y बाय एक्स मत डाल देना x बाय वाई डालना ठीक है एडजस्ट करो डीएक्स बाई डीवाई देखो क्या आ रहा है मतलब डीएक्स बाई डीवाई तो आ ही रहा है कैसे सेपरेट हो रहा है किसका इंटीग्रल आ रहा है चेक करो ये लो ये आ रहा है और यहाँ पे अगर आप अटक गए हो तो मैं आपको याद दिला दू कि ये नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव है यानी कि लॉग आएगा लॉग आएगा तो सब चीज लॉग में आपको लिखनी पड़ जाएगी ठीक है पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो नहीं निकालना है तो यही आपका फाइनल आंसर होगा समझ गया सबको यस परफेक्ट गाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस अब ये था आपका होमोजिनस दो ही है लीनियर हटा दिया है तो अभी करने में कोई सेंस नहीं है उसका अब दो वर्ड प्रॉब्लम लेती हूं मैं डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर या तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग या फिर पॉपुलेशन पॉपुलेशन में या तो बैक्टीरिया होता है डी के ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल या फिर डीकम्पोजिशन ऑफ बैक्टीरिया होता है या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ होता है ठीक है तो पहले न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग बताती हूँ फिर वो पॉपुलेशन वाला बताती हूँ न्यूटन बिकॉज वो पॉपुलेशन वाले सारे वेदर इट इज डीकंपोजिशन या डीके और वेदर इट इज योर इंक्रीज जो भी है इट इज द सेम थिंग सेम ही चीज होती है सिर्फ एक माइनस साइन वहां पे आ जाता है ठीक है तो चलो देखो ये क्या है अ बॉडी कूल्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ फ्रॉम हंड्रेड डिग्री सेल्सियस टू सिक्सटी डिग्री इन ट्वेंटीचर ऑफ द सराउंडिंग हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल डाउन टू थर्टी डिग्रीज ओके न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग फिजिक्स में अगर आपने पढ़ा होगा तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोलता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू थीथा माइनस थीटा नॉट वेर थीटा नॉट इज द रूम टेम्परेचर तो इन दिस केस कैन आई राइट दिस डी थीटा बाई डी डी टी इज इक्वल टू के टाइम्स थीटा माइनस थीटा नॉट कितना दिया है ट्वेंटी अब देखो थीटा वेरिएबल है तो ये इधर आ गया इज इक्वल टू के टाइम्स डी टी हो जाएगा इंटीग्रेट करोगे तो वन अपॉन थीटा का इंटीग्रेशन का इज लॉग होता है तो ये होगा लॉग ऑफ थीटा माइनस ट्वेंटी होगा के टी प्लस सी ओके ये आपको मिला डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें आप दो कॉन्स्टेंट्स है के और सी आपको ये हटाना है और जो भी कंडीशन दिए उससे वो हट जाएगा सबसे पहले आपको बोला है कि इट कूल्स फ्रॉम हंड्रेड डिग्री मतलब इनिशियली इट वॉज हंड्रेड डिग्री जब स्टार्ट किया था तब हंड्रेड डिग्री था मतलब टाइम जीरो पे थीटा हंड्रेड था तो ये दो चीज इसमें डालो

थीटा माइनस ट्वेंटी अपॉन इक्वल टू के इनिशियल कंडीशन डाल दिया तो आपका कांस्टेंट कि सी चला गया अब ये प्रोपोर्शनैलिटी वाला कांस्टेंट हटाने के लिए दूसरी कंडीशन दिए क्या है 100 से 60 हो रहा है वो 20 मिनट में मतलब टी जब 20 है तब थीटा क्या बन रहा है 60 तो ये डाल दो यहां पे सिक्सटी माइनस ट्वेंटी इज फोर्टी फोर्टी डिवाइडेड बाई एट्टी इज हाफ मतलब कि सॉरी uh, ये भी है ना ट्वेंटी तो के क्या बना यहाँ पे? वन अपॉन ट्वेंटी लॉग ऑफ हाफ विच यू कैन सब्सटीट्यूट हियर. व्हाट विल यू गेट यू विल गेट लॉग ऑफ थीटा माइनस ट्वेंटी अपॉन एट्टी इज इक्वल टू वन बाई ट्वेंटी लॉग ऑफ हाफ आपको ये भी बोला जा सकता था कि आ, दस मिनट के बाद टेम्परेचर क्या होगा वो तो भी पूछ सकते हैं बेसिकली ये एंड वाली कंडीशन आ गई है ना तो इसमें से या तो थीठा पूछेंगे या तो टाइम पूछेंगे तो आपको बोला है कि थर्टी डिग्री सेल्सियस जब हो जाता है तो चलो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू थर्टी डालते हैं तो थर्टी माइनस ट्वेंटी इज टेन और टेन अपॉन एट्टी करोगे तो वन बाई एट मिलेगा इक्वल टू टी को इधर ले लो वन बाय ट्वेंटी लॉग ऑफ हाफ अब देखो मजा आएगा लॉग की प्रॉपर्टीज आना कितनी इंपॉर्टेंट आपको समझ में आएगा यहाँ से वन बाय एट क्या होता है वन बाय टू का क्यूब होता है तो ये लॉग ऑफ़ ट को इफ आई राइट एज लॉग ऑफ वन बाई टू का क्यूब ये थ्री नीचे आ जाएगा ये थ्री लॉग ऑफ हो गया ये थ्री लॉग हाफ हो गया तो इसको आप लिख सकते हो थ्री लॉग हाफ इज इक्वल टू टी बाय ट्वेंटी लॉग हाफ चलो लॉग हाफ लॉग हाफ कैंसिल हो गया टी आपको मिल रहा है सिक्सटी मिनट्स विच मीन दैट एक घंटा लगेगा उसको तीस डिग्री पे जाने के लिए समझ में आया समझ में आया न्यूटन लॉ के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे सिर्फ एंड में जो पूछा गया है वो चेंज होगा इनिशियल कंडीशन दिया होगा उससे आपको सी का वैल्यू मिलेगा कुछ टाइम बाद क्या टेम्परेचर होता है वो आपका दिया होगा उससे आपको के मिलेगा और एंड में या तो आपको टेम्परेचर बोलेगा इतने टाइम के बाद क्या है वो फाइंड करो या आपको बोलेगा कि ये टेम्परेचर पर पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगता है ठीक है समझा ऑल न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग प्रॉब्लम्स न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के सारे प्रॉब्लम जो है वो ऐसे ही सॉल्व होंगे ठीक है अब देखते हैं बैक्टीरिया पॉपुलेशन की सारी प्रॉब्लम ऐसी होंगी और रेडियो एक्टिव डीके भी ऐसी होगा छोटा सा सिर्फ चेंज होगा देखो इन अ सर्टन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया द रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट मतलब अगर मैं बैक्टीरिया अज्यूम करती कि एम बैक्टीरिया प्रेजेंट है टी इंस्टेंट पे तो इट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एम पॉपुलेशन के साथ क्या होता है पॉपुलेशन के साथ भी ऐसी होता है कि जितना पॉपुलेशन है एक इंस्टेंट पे उतना होता है रेडियो एक्टिव अगर रहेगा तो फॉर एग्जाम्पल उसमें अगर मैं एक्स ले रही हूँ तो वो डी हो रहा है ना मतलब इट विल भी डायरेक्टली प्रपोर्शनल बट नेगेटिवली इतना ही फर्क होगा इसके प्रॉब्लम में रेडियो एक्टिव वाले में ठीक है तो चलो फिलहाल हम लोग बैक्टीरिया का कर रहे हैं तो हम लोग बैक्टीरिया का ही देखते प्रोपोर्शनल है वो तो लेट्स राइटेड एस के एम डायरेक्टली सिंपल सी चीज़ें अभी ये वन अपॉन एम डी एम हो जाएगा ये के डी टी है इंटीग्रेट करोगे दोनों साइड यू विल गेट लॉग एम इज इक्वल टू के टी प्लस सी अगेन वैसे ही जाएगा ना ये भी वैसे ही जाएगा ना ये पूरा दैट विल ऑल्सो बी द सेम ओनली देखो बस द फॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन इज अ लिटिल डिफरेंट तो इसीलिए हम लोग थोड़ा करते हैं नंबर जो है वो चार घंटे में डबल हो रहा है नंबर जो है वो चार घंटे में डबल हो रहा है मतलब अगर टाइम टी जीरो पे मैं मास प्रेजेंट एम जीरो ले लेती हूँ बैक्टीरिया प्रेजेंट तो यू विल गेट लॉग ऑफ एम जीरो इज इक्वल टू सी ये इसमें डालेंगे आपको मिलेगा लॉग ऑफ एम इज इक्वल टू के टी प्लस लॉग ऑफ एम जीरो अगेन जैसे हम लोग ने लास्ट टाइम किया था ये इधर आ जाएगा एम अपॉन एम जीरो बन जाएगा दिस इज इक्वल टू के टी है ना अब देखो इनिशियली मास मैंने एम जीरो लिया है यहां पे आपको बोला है कि चार घंटे में ये नंबर डबल हो रहा है मतलब टी इज इक्वल टू फोर पे जो मास है वो ओरिजिनल वाले मास का डबल है सॉरी ओरिजिनल वाले मास का वो डबल है मतलब जब आप टी का वैल्यू यहां पे फोर डालोगे तब एम का वैल्यू क्या डालोगे टू टाइम्स एम जीरो से के की वैल्यू मिली कि नहीं वन बाय फोर लॉग टू है ना तो इसमें डाल दो क्या मिलेगा लॉग ऑफ एम अपॉन एम जीरो इज इक्वल टू वन बाय फोर लॉग टू इंटू टी अब क्या करना है नंबर ऑफ टाइम्स द बैक्टीरिया इंक्रीजेस इन ट्वेल्व आवर्स आपको फाइंड करना है मतलब जब टी का वैल्यू होगा ट्वेल्व तब ये रेशियो क्या होगा आपको ये निकालना है तो चलो टी का वैल्यू ट्वेल्व डालो ये गया लॉग आपको हटाना पड़ेगा ना तो लॉग ऑफ एम अपॉन एम जीरो लेट मी राइट इट एज लॉग ऑफ टू क्यूब मतलब एम अपॉन एम जीरो आपको एट मिला मतलब एम इज इक्वल टू एट एम जीरो जब बारह घंटे बीत जाएंगे तब जो नया मास मिलेगा वो ओरिजिनल वाले मास के एट टाइम्स होगा मतलब बारह घंटे में आठ गुना बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे ठीक है समझ में आया यस yes, तो सिमिलर ही अगर आप देखोगे न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से पॉपुलेशन के सारे प्रॉब्लम्स भी ऐसे ही होंगे बैक्टीरिया में सिर्फ वो माइनस हो जाएगा कम होते जाएगा बस कुछ नहीं बस माइनस के टी आएगा उतना ही डिफरेंस होगा और कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा समझ में आया तो वर्ड प्रॉब्लम यूजुअली सीबीएसई को नहीं पूछे जाते स्टेट बोर्ड वालों को ही है बट आपको फिजिक्स में है ही वैसे भी तो देख लिया होगा तो अच्छा ही आपके लिए एप्लीकेशन बेस्ड चीजें करनी आनी चाहिए तो डिफरेंशियल इक्वेशन से यू कैन सी इट बिकम्स क्वाइट सिंपल फॉर यू राइट यस तो प्रैक्टिस करो इसको भी अच्छे से आ जाता है कभी कभी बोर्ड एग्जाम में बहुत सिंपल है बहुत ही बेसिक है है ना विथ दैट वी कम टू दर चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेश सो मच फॉर वॉचिंगट टेकन विच इज एरिया बिकॉज पिछले कुछ साल से उसका वेटेज जो है वो बहुत कम जा रहा है एंड आई want to टू वेस्ट time टाइम विद Also, a लॉट ऑफ कंफ्यूजन की जो रिड्यूस किया है सिलेबस उसमें क्या बच रहा है There isn't enough इन क्लैरिटी ऑन दैट ऑल राइट सो विद दैट डिफरेंशियल इक्वेश कवर्ड इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज 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 फील फ्री टू आस मीनियर लीनियर जैसे मैंने आपको बोला आपको इस साल बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला है ऑल राइट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस थैंक यू आई होप यू एन्जॉयड इट विथ मी एंड आई होप आप को थोड़ा बहुत कैलक्यूल में इसके बाद से कॉन्फिडेंस आने लग रहा होगा अगर कोई भी कंसर्नस है कोई भी डाउट्स है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में आप छोड़ दो मेरे लिए आई विल बी हैप्पी टू गेट बैक टू यू विद दैट आई टेक योर लीव आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स आई होप यू आर एबल टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स एंड थैंक यू सो मच गाइज गुड लक गॉड ब्लेस यू स्टे सेफ एंड टेक केयर